नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को दीप्ति फैशन में। दोस्तों चलिए आज मैं आप लोगों को 36 साइज का मधुबाला ब्लाउज का डिजाइन बताते हैं, फ्रंट डिजाइन बताएंगे, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बताएंगे। आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक हम चार्ट पेपर ले लिए हैं और इसी पे हम आपको मधुबाला ब्लाउज का डिजाइन बताएंगे। आप न्यूज पेपर पे बना सकते हैं या तो फिर आप डायरेक्टली कपड़ा पर भी कटिंग कर सकते हैं। एक ब्लाउज बनाने के लिए कम से कम 80 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए पेपर को डबल में फोल्ड करेंगे। इस तरह से देखिए डबल में फोल्ड कर दिए हैं और उसके बाद अब हमको यहाँ पे लंबाई लेना है। यहाँ पे जो हम लंबाई रखेंगे फ्रंट का 16 इंच रखेंगे, आप 15 भी रख सकते हैं, लेकिन जो हम 16 जब लेंगे यहाँ पे तो 36 साइज में बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और इस तरह से हर जगह 16 16 पे निशान लगाना है। टोटल लेंथ हम 16 इंच ले लिए। अब लेंगे यहाँ पे शोल्डर, शोल्डर रखेंगे यहाँ पे हम 5.5 इंच। उसके बाद 2.5 इंच पे हम गला की चौड़ाई निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो आर्म होल की जो लंबाई है 5.5 इंच रखेंगे और फ्रंट नेक की जो लंबाई है 6 इंच रखेंगे और इस निशान को इसमें मिलाते हुए बिल्कुल सीधा एक लाइन ड्रॉप करना है। उसके बाद इस तरह से एक बॉक्स बनाना है और अब यहाँ गला के लिए एक बॉक्स तैयार करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे जो गला है गला में डिजाइन डालेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हम गला में डिजाइन डाल दिए हैं। और अब चलिए यहाँ पे जो हम फ्रंट के लिए बता रहे हैं तो यहाँ पे आर्म होल की जो गुलाई देंगे तो फ्रंट 1.25 इंच 1 इंच पर देंगे। इस तरह से करते हुए मिलाना है। उसके बाद अब बॉडी ले लेते हैं। तो बॉडी यहाँ पे 36 है, 36 का चौथा हिस्सा 9 होगा, तो यहाँ पे 9 पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए 2.25 इंच मार्जिन रखेंगे और अब यहाँ पे जो कमर है कमर रखेंगे 32, 32 का चौथा हिस्सा 8 होगा, 8 पे निशान लगाएंगे। उसके बाद ये 1 इंच टक्स के लिए लेंगे। उसके बाद 2.25 इंच रखेंगे मार्जिन और इस निशान को यहाँ पे मिलाना है। उसके बाद 1 इंच जो एक्स्ट्रा लिए हैं तो इसको इस तरह से मिलाएंगे। बचा हुआ जो हमारा पेपर है जो मार्जिन है, देखिए सबसे पहले सार है 12 इंच पर एक निशान लगाना है और इस निशान को इस तरह से सीधा ड्रॉप करना है। उसके बाद देखिए जो मार्जिन लिए 1.5 इंच उसका भी इस तरह से निशान लगा लेते हैं। निशान पट्टी है 1.5 इंच यहाँ पे ले रहे हैं और इसको इस तरह से करते हुए मिलाना है। और अब चलिए अब यहाँ पे हम ऊपर से टक्स के लिए निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले शोल्डर के पास से हमको 3 पे एक निशान लगाना है और इधर से देखना है, इधर से 3.5 इंच होना चाहिए। देखिए इधर से 3.5 इंच पे इस तरह से करेंगे। ऊपर से 10 लिए हैं। उसके बाद और इसकी जो लंबाई है 2.5 इंच रखेंगे। ये 2.5 इंच लंबाई है, इसका दूरी जो है 2.5 इंच का है। उसके बाद दोनों तरफ से इस तरह से 1 1 इंच लेकर निशान लगाएंगे और इस तरह से मिला देंगे। ये हमारा टक्स का निशान हो गया। और अब इधर से हम 3.5 इंच लिए हैं तो इधर से भी हम लेंगे 3 इंच। इधर से हम 3.5 इंच रखे हैं, इधर से 3 इंच रखेंगे और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल हमको सीधा आना है। उसके बाद इस तरह से 1/2 इंच 1/2 इंच 1 इंच 1 इंच इस तरह से बढ़ाते हुए इस तरह से गुलाई में करते हुए यहाँ पे मिलाना है और इसको यहाँ से मिलाते हुए यहाँ पे मिलाएंगे। उसके बाद यहाँ से इसमें मिलाते हुए इधर आना है। उसके बाद यहाँ से मिलाते हुए यहाँ पे मिला देना है। ऊपर से अब लेना है हमको
3 इंच पे एक, इधर से 3 इंच टक्स का निशान लगाएंगे इस तरह से। और देखिए अब यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं, गला की जो चौड़ाई है 2.5 इंच रखे हैं, पूरी जो पूरी यहाँ पे शोल्डर की जो चौड़ाई है 5.5 इंच रखे हैं, आर्म होल की जो लेंथ है 5.5 इंच रखे हैं, उसके बाद गला की जो लेंथ है 6 इंच रखे हैं, और उसके बाद देखिए यहाँ पे उन्हें 2 इंच मार्जिन रखे हैं, 1 इंच यहाँ पे टक्स के लिए रखे हैं, 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन था उसको निकाले हैं, उसके बाद इसको हम 2 इंच रखे हैं, 1.5 इंच पे इस तरह से गुलाई में निशान लगाए हैं, 2.5 इंच यहाँ पे टक्स की लंबाई रखे हैं, 1 1 इंच इधर से दोनों तरफ से लिए हैं, 1 इंच यहाँ पे आर्म होल की गुलाई दिए हैं। उसके बाद देखिए 10 पे टक्स का निशान लगाए हैं, और टोटल यहाँ से जो बेल्ट निकाले हैं तो 12.5 इंच पे निकाले हैं, और यहाँ से 1/2 इंच और 1 इंच, 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच करते हुए इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पे मिला देना है। देखिए कितना आसानी से मधुमाला ब्लाउज का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हुआ, और ये फ्रंट गम बताए हैं बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, तो इसे आप एक बार ज़रूर बनाएं, और बैक में आप अपनी मर्जी के अनुसार दे सकते हैं, लेंथ आपको फ्रंट के मुताबिक 1.5 इंच कम रखना है, और गला आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आर्म होल सेम ही रहेगा, उसका जो गुलाई है 1.5 इंच पर देंगे, और इस तरह से चलिए अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से जो मधुवाला का जो कटिंग है हमारा कंप्लीट हुआ। अगर इसका आप स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर बताऊंगी। इसी तरह से और भी सिलाई से जुड़ी हर चीज़ का वीडियो जानने के लिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में।